मेट्रो पकड़ते हैं और सीधा चलते हैं एयरपोर्ट। भैया रावण की लंका चलोगे? रावण की लंका? हाँ चलोगे? चलो ना, सोने की है। वहाँ कुछ भी सवाल उन्होंने मुझसे नहीं पूछा, ना तो उन्होंने मेरी रिटर्न की टिकट देखी है, ना तो उन्होंने मेरे होटल्स की बुकिंग देखी है, बस वीज़ा देखा और मेरा पासपोर्ट देखा और मुझे आने दिया। तो मैंने उन लोगों को बोला कि मैं यूट्यूबर हूँ, मैं वीडियोस बनाने के जाना चाहता हूँ वहाँ पे। तो उन्होंने मुझसे और कोई सवाल नहीं पूछा, हंस के आगे आने दिया। पर अंकुश भाई को पता नहीं क्या हुआ, पहले तो काफ़ी सवाल पूछे थे, फिर वो एकदम से वहाँ से गायब हो गया। तो मुझे लगा शायद वो आगे आ गए हैं। तो मैं सिक्योरिटी चेक पर आया, सिक्योरिटी चेक पर भी वो नहीं थे। कॉल किया तो उन्होंने बताया कि वो इमिग्रेशन में ही फंसे हुए हैं, अभी तक इमिग्रेशन से उन्हें आगे नहीं आने दिया जा रहा है। पता नहीं क्यों, शायद उन्हें बोर्ड नहीं करने दी जा रही फ्लाइट। काफ़ी घबराया हूँ, बात तो हो रही है अभी फ़ोन पे, फ़ोन उठा रहे हूँ। कुछ एक चेकिंग वाला इमिग्रेशन होता है जहाँ पे वो अलग से ले जाते हैं, वहाँ जाके उनसे बैठ के बातें कर रहे हैं। अभी शायद फ़्लाइट है 3 घंटे की, उससे पहले शायद छोड़ दें तो वो आ जाए, नहीं तो बहुत मोटा नुकसान हो जाएगा भाई। जाने की फ़्लाइट, आने की फ़्लाइट, वीज़ा सब बर्बाद हो जाएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी मस्त मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है अपनी। लास्ट डे इन चेन्नई भाई, हम निकल रहे हैं तैयार है यहाँ से श्रीलंका। और मेरा भाई भी आ चुका है भाई, कल रात में आया। कितने बजे आया? 12:30। पूरा 1 बज गया था मेरे पास पहुँचते पहुँचते भाई। काफी दूरी से चल के आना पड़ा, लगभग होगा यहाँ से 100-150 मीटर है ना। चलो भाई अभी चल रहे, पास भी मेट्रो स्टेशन है। अभी हमें चोरों चक्कर से अपनी इज्जत बचाते हुए रात को। अच्छा भाई, रात को ना यहाँ पे सीन ऐसा रहता, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा। पर लेकिन एक चीज़ बता दूँ, ये बिल्डिंग जो सामने दिख रही है ना, अभी तो सिंपल सी लग रही है, रात में बहुत प्यारी हो जाती है भाई। जगमगाती हुई देखी आपने? ओहो बड़ी सी लगती है। अभी हम सीधा जा रहे हैं यहाँ से एयरपोर्ट। और भाई ये बस देखना, वाह पूरी बस मॉडिफाई है, KGF वाली। हाँ सही यार, रॉकी भाई को यहाँ पे बहुत मानते हैं ना। मैं भी मानता हूँ रॉकी भाई को। भाई अभी हमें जाना है सीधा एयरपोर्ट, एयरपोर्ट में जाके खाने वाले हम 1 रुपए का खाना, 1 रुपए का भाई। और भाई को भी खिलाने वाला हूँ मैं आज 1 रुपए वाला खाना, बढ़िया। ओहो चलो भाई सीधा यहाँ से मेट्रो पकड़ते हैं और सीधा चलते हैं एयरपोर्ट। भैया रावण की लंका चलोगे? रावण की लंका? हाँ चलोगे? चलो ना, सोने की है। कैसा लगा मेरा मजाक? सच्ची भाई, ये देख के ये मत समझना कि हम वापस दिल्ली आ चुके हैं भाई। दिल्ली नहीं आए, हम घूम रहे चेन्नई के अंदर। यहाँ पे आपको एक चीज बहुत कॉमन दिखेगी, यहाँ के जो कपड़े पहने हुए होंगे ना लोगों ने, वो मतलब वही स्टाइल के हैं जो उनके पुराने कल्चरल कपड़े हैं, अभी तक उन्होंने चेंज नहीं करे हैं। ये चीज काफी अच्छी लगी मुझे। बाकी जगहों पे तो मतलब कल्चर भूल ही जाते हैं लोग, कोई बात नहीं। चलते हैं भाई, अपनी आ चुकी है मेट्रो की। ओहो डब्बा, अरे वही लिफ्ट। ओए भाई आ जा, लिफ्ट आ गई। हाँ ओहो ये तो लिफ्ट भी काफी बढ़िया भाई। ओ हमारे जिलों को लिफ्ट यूज नहीं कर रहा। आ गए अंकल। हेलो अंकल, गियर लगे हुए हैं यहाँ पे। गियर लगे हुए? ओह अच्छा, क्या भैया ये क्या चीज है? तेल पकाने के लिए। अच्छा अच्छा, डोंट टच, ये सही है भाई। मुझे क्या लगता है ये लोगों को अभी भी फील कर रहे हैं कोरोना है। भाई ऊपर तो बोर्ड लगा था ब्लू लेन ही है, लेकिन यहाँ पे ग्रीन लेन है, ब्लू लेन दिख नहीं रही है भाई, कहाँ है? और आगे बोर्ड लगे हुए हैं ब्लू लेन के लिए, देखो 5 और 6 नंबर। ओए मेट्रो के नीचे भी मेट्रो चल रही है भाई, मतलब इस फ्लोर पे भी मेट्रो चल रही है ये रही, और इसके नीचे भी जा रहा रास्ता, उधर ही मेट्रो है। वाह गजब है भाई, सच्ची सच्ची। लो भाई मेट्रो आ चुकी है, लेकिन एक बात बताऊँ ना, यहाँ पे ना कहीं पे भी हिंदी नहीं लिखी हुई है भाई, सारी जगह इंग्लिश है और एक इनकी लोकल लैंग्वेज है बस। चलते हैं भाई, वो तो शुक्र है हमें इंग्लिश पढ़नी आती है, नहीं तो हाल खराब हो जाता अपना। मेट्रो ऐसे चल रही है जैसे भाई अपना देसी मतलब इंडियन रेलवे का डब्बा हो कोई। खतरनाक। मेरे ख्याल से सुरंग के अंदर ना कट्स हैं, उसकी वजह से काफी हिल रही है भाई। ओए बाप रे, लो भाई धोखाधड़ी हो चुकी है। अभी बताता हूँ, पहले एग्जिट कर लेता हूँ मेट्रो से भाई, और यहाँ लगाया हमने कूपन दिल्ली वाला स्टाइल में,
निकलते हैं भाई। लो भाई अब बताता हूँ धोखाधड़ी क्या हुई है। धोखाधड़ी हमारे साथ हुई है, जो मैंने क्रेडिट कार्ड दिया था ना उसमें इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे वीआईपी लॉज नहीं है, डोमेस्टिक फ्लाइट्स पे है, और मैं सोचा था कि उससे जाके खाना खाऊंगा बढ़िया वाला भाई। अब क्या कर सकते हैं भाई, पहुंच चुके हैं बिल्कुल एयरपोर्ट के पास भाई, चलते हैं बाहर और बाहर से ही खा लेंगे, अंदर खाना काफी महंगा मिलता है, बाहर से खा ले भाई। हाँ, एक रुपये वाला खाना नहीं मिलने वाला है। मैं देख के काम से लाऊंगा। ओके, मुझे देख लेना। वाह, खुशबू काफी अच्छी आ रही है सही में, धूपबत्ती लगी लगता है। भाई ऐसा लग रहा हो किसी भोजनालय में आ चुका हूँ भाई, एयरपोर्ट पे ही हूँ, लेकिन यहाँ पे खाना काफी सस्ता है। मतलब दिल्ली में तो बहुत महंगा मिलता है, लेकिन यहाँ पे डोसा 80 रुपए का मिला है, स्टेशन के पास भी 80 रुपए में और एयरपोर्ट पे भी 80 रुपए में, काफी सस्ता है चेन्नई का एयरपोर्ट भी। लेते हैं भाई डोसा, पर काफी भीड़ है मुझे लग रहा है, आधा टाइम तो यही लग जाएगा। एक्सक्यूज मी, यहाँ आ चुका भाई अपना खाना बढ़िया तरीके से। ओहो, ये एक नहीं 170 रुपए का, लेकिन तब भी सस्ता है, चलो खा लेते हैं। 170 बढ़िया, अंदर जाके 1700 देने पड़ते हैं, पक्की बात है भाई, 10 गुना ज्यादा है ना अंकल। नहीं तो ठीक है भाई, हम खाना वाना खा के फ्री हो चुके हैं और रावण की धरती श्रीलंका पे जाने के लिए तैयार है भाई हम। ओहो, काफी मजा आने वाला भाई, चलो चलते हैं, एंटर करते हैं भाई एयरपोर्ट। मम्मी कसम अभी तक मैंने एक बात तो आपको बताई नहीं, मैंने 250 रुपए एक्स्ट्रा दिए भाई विंडो सीट के लिए। भाई आपने भी दिए क्या? हाँ, ये तो मैंने बताया नहीं। ओहो, काफी बढ़िया भाई, आज तो विंडो सीट बैठ जाएंगे। मैं भाई से अलग बैठूंगा क्योंकि हम दोनों ने विंडो सीट लिए और दोनों अलग अलग बैठेंगे भाई। मस्त, क्या सामान? ओ हाँ, ये तो इम्पोर्टेंट है। खाली लेके जानी है? खाली क्यों? बैग पीछे है। अरे रुको ना यार, चलो पुलिस वाले पीछे देख रहे हैं, डंडा लेके आ रहा है। मुझे अभी मौका है। नहीं नहीं, और जा चाचा। नहीं सही लग रहा है, ऐसे ही बढ़िया है, मैं भी लगेज में काउंट हो जाऊंगा। ओ ऐसे एक बंदा ऐसे जा सकता है लगेज के अंदर? ठीक है, बताओ बंदा ही चुक के ले जाना। जाना किधर है बताओ? एयरपोर्ट के अंदर अंदर ही है। अजी है ना लकीर रेड्डी। ओ बस वे मर गया ओए। भाई आप लोगों को पता है अंकुश भाई क्या कह रहे हैं? अंकुश भाई कह रहे हैं भाई पता कर जरा श्रीलंका का गेट किधर है। अभी हम एयरपोर्ट के अंदर एंटर भी नहीं करे और गेट पूछे श्रीलंका का। अरे भाई फ्लाइट अभी आने में टाइम है, पहले चेक इन तो कर ले भाई। भाई फ्लाइट आने में अभी टाइम है, चेक इन चल रहा है वो, देख इंडिगो की 11:30 बजे वाली। ओ हाँ, पर गेट नंबर नहीं बता रहे, B15। अरे ब्रदर अभी गेट नंबर तो अंदर पता रहेगा। वैसे एक बात बताऊं ना, जब इंटरनेशनल फ्लाई करते हैं ना तो दिमाग सच्ची में हिल जाता है। अभी हमारे अंकुश भाई का भी हिल चुका है, गेट पे एंटर करते समय जो गार्ड नहीं होते जो चेक करते हैं अपना पासपोर्ट, उन्हें दिखा के आ रहे हैं पता श्रीलंका का वीजा। चलते हैं भाई चेक इन करते हैं, काफी लंबी लाइनें हैं। चल मेरे पंजाब के मुंडे मेरे नाल चल, इधर उधर मत देख, यहाँ हमारी फ्लाइटें नहीं है, इंडियन एयरलाइंस है। चल भाई इंडिगो है हमारी, मेरा पीछा कर मेरा पीछा। अरे उधर नहीं है भाई, श्रीलंकन एयरलाइंस है वो। देखते भाई इंडिगो का चेक इन, पर इतना पक्का है इंडिगो की चिकन में ना बहुत लंबी लाइन होती है। तो भाई एक बात आऊँ, मतलब जैसे ही मैं काउंटर पे गया उन्होंने बोला भाई आपकी टिकट की पेमेंट नहीं हुई है, यू कैनॉट फ्लाई। मैं डर गया भाई, मतलब मैं क्यों नहीं फ्लाई कर सकता भाई, और उन्होंने बोला भाई अभी आप श्रीलंका नहीं जा सकते। मैं डर गया, बाद में पता चला भाई हमारे एक साथ मतलब है ना एक चुलबुला आदमी, उसने प्रैंक कर रखा था मेरे साथ, तो उन्होंने बताया इट्स अ प्रैंक, उसके बाद उन्होंने दे दी मुझे, फाइनली हम बोर्ड कर सकते हैं। लो भाई हमने इमिग्रेशन भी क्रॉस कर दिया है, और मैं आपको बता दूं यहाँ पे ना इमिग्रेशन में कुछ भी नहीं पूछा, मतलब श्रीलंका जाने के लिए बाकी कंट्रीज़ में पूछते हैं, और वैसे ऐसा भी होता है जब हम फर्स्ट टाइम फ्लाई करते हैं ना तब ज़्यादा पूछते हैं, सेकंड टाइम पे नहीं पूछते हैं कुछ भी। भाई एयरक्राफ्ट देखना कितना बड़ा दिख रहा है भाई, बहुत बड़ा प्लेन दिख रहा ना, बहुत पास से दिख रहा हूँ मैं। वैसे चेन्नई एयरपोर्ट भी काफ़ी मस्त है यार, अभी चेक इन भी होना है हमारा, मतलब सिक्योरिटी चेक जो होता है उसे करते हैं और फिर आगे निकलते हैं। सो मैं तो सिक्योरिटी चेक तक पहुँच चुका हूँ, लेकिन अंकुश भाई। सो भाई मैं जस्ट अभी सिक्योरिटी चेक करा के क्रॉस करके आगे आया हूँ, और जो मेरे साथ में अंकुश भाई थे उन्हें सिक्योरिटी चेक से पहले जहाँ इमिग्रेशन था ना, जहाँ मेरे साथ बिल्कुल इजीली क्रॉस हो गया था, वहाँ कुछ भी सवाल उन्होंने मुझसे नहीं पूछा, ना तो उन्होंने मेरी रिटर्न की टिकट देखी है, ना तो उन्होंने मेरे होटल्स की बुकिंग देखी है, बस वीज़ा देखा और मेरा पासपोर्ट देखा और मुझे आने दिया। तो मैंने उन लोगों को बोला कि मैं यूट्यूबर हूँ, मैं वीडियोज़ बनाने के जाना चाहता हूँ वहाँ पे, तो उन्होंने मुझसे और कोई सवाल नहीं पूछा, हंस के आगे आने दिया।
पर अंकुश भाई को पता नहीं क्या हुआ, पहले तो काफी सवाल पूछे थे, फिर वो एकदम से वहां से गायब हो गया। तो मुझे लगा शायद वो आगे आ गए हैं, तो मैं सिक्योरिटी चेक पर आया, सिक्योरिटी चेक पे भी वो नहीं थे। कॉल किया तो उन्होंने बताया कि वो इमिग्रेशन में ही फंसे हुए हैं, अभी तक इमिग्रेशन से उन्हें आगे नहीं आने दिया जा रहा है, पता नहीं क्यों, शायद उन्हें फोर्ड नहीं करने दी जा रही है फ्लाइट। काफी घबराया हूँ, बात तो हो रही है अभी फोन पे, फोन उठा रहे हूँ। कुछ एक चेकिंग वाला इमिग्रेशन होता है जहाँ पे वो अलग से ले जाते हैं, वहाँ जाके उनसे बैठ के बातें कर रहे हैं। अभी शायद फ्लाइट है 3 घंटे की, उससे पहले शायद छोड़ दें तो वो आ जाए, नहीं तो बहुत मोटा नुकसान हो जाएगा भाई, जाने की फ्लाइट, आने की फ्लाइट, वीज़ा सब बर्बाद हो जाएगा। इंतज़ार करते हैं उनके आने का, बस मैं होप करता हूँ भगवान से कि वो आ जाए किसी भी तरीके से, कोई दिक्कत ना आए। मजाक कर रहे थे मॉर्निंग में कि हमें रोक देंगे इमिग्रेशन वाले, असलियत में ही रोक दिया ऐसा लग रहा है। सो मैं VIP लॉन्ज में आ चुका हूँ, और चिंचे ने गलत बोला था मुझे कि इंटरनेशनल नहीं यूज़ होगा, इंटरनेशनल भी थी मेरे ख्याल से, 4 फ्लाइटें, तो 4 फ्लाइटों पर यूज़ कर सकता हूँ। और अभी अंकुश भाई से भी बात हुई है मेरी, और वो कह रहे हैं थोड़ी देर लगेगी, पता नहीं वहाँ पे क्या होगा। खाने का तो कुछ मन नहीं है, बस ऐसी एंट्री हो गई है, बैठ सकता हूँ, चिल कर सकता हूँ, इंतज़ार कर सकता हूँ उनका आने का, और कुछ भी नहीं है अभी। खाने में तो काफ़ी वैरायटी है यहाँ पे भी दिल्ली की तरह, लेकिन खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, ऐसे बैठा हुआ हूँ, कुछ भी नहीं लिया है, बस इंतज़ार कर रहा हूँ कि अंकुश भाई आ जाएं, उसके बाद भाई के साथ ही खाएंगे, बस उनका इंतज़ार है। खाने का बिल्कुल भी मन नहीं, बस किसी भी तरीके से वो आ जाएं। वैसे मुझे लग नहीं रहा था कि श्रीलंका में इमिग्रेशन में इतना ज़्यादा चेक करेंगे या कुछ होगा, मेरे ख्याल से ना वो एक कंट्री से शायद डिपोर्ट हुए हैं, उसकी वजह से ही कोई दिक्कत आ रही है, नहीं तो अभी तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि वैसे अगर आप पहले से फ्लाई कर रहे हो ना, तो दूसरी कंट्री में इतना ज़्यादा पूछते नहीं हैं। मुझसे तो कुछ भी नहीं पूछा ना, मेरी वापस आने की फ़्लाइट पूछी ना, होटल की बुकिंग्स पूछी ना, मुझसे शो मनी करवाया, पैसे शो करवाते हैं ना, वो भी नहीं करवाया, कुछ भी नहीं करवाया, सिंगल एक काम भी नहीं करवाया, पर उन्हें रोक लिया वहाँ पर। लेट्स से अभी दो घंटे ढाई घंटे तो हैं, अगर आ जाएंगे तो फिर सही लगेगा काफ़ी, नहीं तो बहुत दुख होगा, मतलब पैसा बहुत डूब जाएगा ना। लो भाई, अंकुश भाई का कार्ड तो यूज़ नहीं हुआ है, पर मेरा कार्ड काम आ रहा है भाई, यही फ़ायदा होता है 2-3 कार्ड रखने का। सो अब दबा के खा लेते हैं, क्योंकि आधा घंटे ही रह गया बोर्डिंग में, फटाफट खा के चलते हैं बोर्डिंग करने, और उसके बाद बातें करेंगे। लो भाई, मैंने बहुत कोशिश करी कि अंकुश भाई भी अंदर चल रहे मेरे साथ, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि एक आदमी के आईडी से ना एक टाइम पे, मतलब 2 घंटे बाद ही दूसरी बार एक्सेस कर सकते हैं, मतलब 2 घंटे और हमें इंतजार करना था, उतनी देर में तो फ्लाइट आ जाती, तो हमें जाना भी था। और वैसे खुशी काफ़ी है, भाई आ चुका है, तो खाना वाना छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, भाई के लिए मैं जूसेस वूसेस उठा के ले आया हूँ, थोड़ा बहुत खाने का सामान लेकर आ गया बैग में, वैसे अलाउड नहीं होता, लेकिन आपको पता है हम इंडियंस है भाई, कहीं ना कहीं से उल्टा सीधा हाथ मार ही देते हैं। अरे मैं भी जाता ना लाउंज में, जी बोलते हैं ना लाउंज, तो वहाँ पे मैं भी महंगा वाला खाना खा ही लेता कि एयरपोर्ट पे महंगा वाला खाना कैसा होता है। भाई वैसे 500 का है वो मेरी टिकट, इसको पड़ रहा था वो 4500 का, और मुझे पड़ा वो सिर्फ 2 रुपए का, 2 रुपए का लॉन्ज एक्सेस पड़ा, काफी सस्ता था भाई। और चलो ये सारी बातें तो साइड में, लेकिन भाई से पूछते हैं एक्सपीरियंस क्या रहा भाई का, मतलब कि वहाँ पे उन्होंने कितने सवाल पूछे, क्या पूछे। वैसे मुझे पता है क्योंकि मैंने काफी लोगों से सुना हुआ है कि क्या दिक्कतें आती हैं, पर भाई से एक बार और सुनते हैं। भाई मत पूछो, पहले मैं गया सीधा पूछा उन्होंने कहाँ से हो, बड़े प्यार से मैंने बोला भाई जम्मू कश्मीर से हूँ बस, फिर उन्होंने बोला आजा साइड पे, इतने क्वेश्चन। भाई जम्मू कश्मीर की बोल दो ना आप, तो फिर हाल खराब हो जाता है। दो रीजन थे, एक जम्मू कश्मीर था, दूसरा उसने मेरा अफगानिस्तान का वीजा देख लिया था कि अफगानिस्तान कब चला गया, वहाँ तो वॉर चल रही है, तालिबान के हाथों में है, तो कैसे चला गया है। बस भाई उनके क्वेश्चन के आंसर देते देते कब 1.5 घंटा निकल गया ना, पता नहीं। और यहाँ 1.5 घंटा बैठे बैठे मेरी अंदर से आत्मा सूख रही थी कि भाई आएगा कि नहीं आएगा, मैं सोचा था मैं अकेला जाऊँ नहीं जाऊँगा, फिर मैं यहाँ से फ्लाइट कैंसिल कर दूंगा, मेरा नुकसान कितना आएगा। मैंने ये भी देख लिया था, मतलब मैं फ्लाइट भी चेक कर चुका था, मेरा 7000 रुपये का नुकसान आ रहा था, तो मैं सोचा था कोई बात नहीं कैंसिल मार देंगे, जाने आने की फ्लाइट में से नुकसान 7000 का आ रहा था, और 2000 रुपये का अपना वीजा का नुकसान, मतलब टोटल 9000 का नुकसान मेरा हो रहा था, बाकी भाई का भी 9000 का ही होता, तो इतना नुकसान तो हमारा हो ही जाता। फिर मैं सोच रहा था मैं अकेला जाके क्या करूंगा, पर कोई दिक्कत नहीं है भाई आ गया, अब खुशी काफी है, अब टेंशन नहीं है, आराम से पेट भी भर लिया मैंने, भाई के लिए भी सामान ले आया हूँ भाई, अब चलते हैं सीधा फ्लाइट बोर्ड करते हैं भाई। मेरा तो आंसर देते देते पेट भर गया, और मेरा तो पहले खाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही भाई की शक्ल देखी ना खाने का इतना ज्यादा मन करने लग गया, तब आगे खा के आया हूँ। तो कॉल कर रहा था ना बार बार, पूछे अर्श कौन है, मैंने बोला ये दोस्त है, ये भी जा रहे हैं, अंदर चला गया। मैंने सोचा इसे ना बुला ले, बोलता कौन है, मैंने बोला पंजाबी मुंडा है, मतलब पंजाब से है, मैंने बोला पंजाब से नहीं आगरा से, अगर बोला पंजाब से, फिर तो भाई बड़ा हाल खराब, पंजाबी को पकड़ा हुआ था डिपोर्ट करने के बाद, सिंगापुर से शायद पता नहीं कहाँ से हुआ। वैसे देखा है मैंने पंजाबी को डिपोर्ट चलिए करते हैं, पता है क्यों, बाकी कंट्रीज में बहुत ज्यादा वर्क वीजा के लिए जाते हैं। अभी मैंने बोला पंजाबी है पर आगरा से, आगरा से। हाँ। मुझसे बहुत सवाल पूछने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन मैंने बड़े फ्लुएंटली बताया, हंसते खेलते, तो मुझे पार करा दिया ऐसे ही,
कुछ पूछा ही नहीं। अरे मैंने भी उसे दोस्त ही बनाया था। हाँ। जिसने तेरे साथ प्रैंक करा पहले। हाँ। इसे भी दोस्त बनाया हुआ था। हाँ। बट ये तो ऑफिशियल था। मेरे साथ कुछ ज्यादा मतलब सवाल ऐसे नहीं पूछे, बस दो तीन सवाल पूछे। आप मतलब कौन सी कंट्री गए हो और उसके बाद आप क्या आप किस लिए जा रहे हो श्रीलंका, और बस ऐसे कुछ सवाल पूछे। कुछ ज्यादा खास नहीं था। जम्मू कश्मीर प्लस अफगानिस्तान नहीं है ना? नहीं नहीं, ये वाला टैग नहीं है मेरे पास ना। मुझे अफगानिस्तान जाना है। मेरे पूर्वजों का रिलेशन है ना, वो सिल्क रूट से जाते थे ट्रेड करने के लिए। हाँ। पहले नहीं था ना ये वाला कंधार तो था। वैसे अफगानिस्तान में ना काफी लड़ाई हुई है मतलब इंडियंस की, तो सरदारों ने मतलब अच्छी मिट्टी चटाई है उनसे। चलते हैं भाई। ड्यूटी फ्री मतलब यहाँ पे टैक्सेशन कुछ भी नहीं होगा किसी भी कंट्री का। काफी सस्ती चीजें मिलती है यहाँ पे। वैसे सस्ती तो ये भी मिलती है, पर इधर मत देखो आप, इधर देखो परफ्यूम्स मिल रहे हैं, चॉकलेट्स मिल रही हैं, काफी सस्ती सस्ती। दिल्ली वाले ड्यूटी फ्री से काफी छोटा है, मतलब एक छोटी सी शॉप ही है, उसी के अंदर सब कुछ मिल रहा है। दिल्ली वाले में तो पूरा मॉल। चलते हैं भाई, सीधा गेट पे चलते हैं जहाँ से हमारी बोर्डिंग होने वाली है, और वहाँ जाके इंतजार करते हैं आराम से फ्लाइट का। अब बहुत खुशी है भाई, अब कोई टेंशन नहीं है, अपन फाइनली बोर्ड करने वाले फ्लाइट को। और यहाँ से मैं आपको पूरा सी दिखाऊंगा, इवन राम सेतु दिखेगा, राम सेतु दिखाऊंगा, प्लस अपनी विंडो सीट है तो सारी चीज़ें दिखाता हुआ चलूंगा आपको। लो भाई, फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, और हम दोनों ना क्राफ्ट के एंड वाले पोर्शन में बैठे हुए हैं, तो अभी हमारे लिए टाइम है, बाद में भेजेंगे हमें। भाई साहब एक्साइटेड हो? मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ भाई, आ ही गया तो अब तो सारे दुख मिट चुके हैं भाई, टेंशन ही नहीं है। अब मजा आने वाले हैं असली उधम एयरक्राफ्ट के अंदर भी। बस हम दो ही बंदर हैं जो साइड में खड़े होकर बातें कर रहे हैं, बाकी सब तो चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारी सीट पीछे वाली है ना सस्ती। सस्ती? मैंने 250 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं कसम से विंडो सीट के। नहीं मेरी इधर है 21। फाइनली प्लेन के अंदर आ चुके हैं भाई, और अपन को ना विंडो सीट भी सही वाली मिल चुकी है, और यहाँ से आराम से नज़ारे दिखाऊंगा आप लोगों को। अंकुश भाई अपने से काफ़ी दूर बैठे हैं अपोजिट साइड में, पर ठीक है चलेगा। मैम ये प्लेन रावण की लंका जा रहा है। हिंदी नहीं आता है? श्रीलंका रावण की लंका। लो भाई बेफालतू परेशान कर दिया इन्हें। मस्ती करने का मन कर रहा था। प्लेन उड़ने से पहले हिल रहा है, मुझे लग रहा है टायर में ढंग से हवा नहीं भरी। कोई बात नहीं, अभी हम उड़ने वाले हैं बहुत जल्द। ऊपर तो काफी सारे बादल हैं भाई, लगता है झटके लगने वाले हैं, खतरनाक वाले स्पीड ब्रेकर्स होंगे ना ऊपर। बहुत सारे लेक है भाई यहाँ पर, देखना मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सारे लेक्स हैं। अरे भाई कुछ भी नजर नहीं आ रहा, चारों तरफ क्लाउडी क्लाउडी हो गया है, पैसे बर्बाद। पता नहीं क्या क्या सोचा था, क्या क्या देखूंगा, पर अब सिर्फ धुंध ही धुंध नजर आ रही है, देखना। मुझे लग रहा है। लो भाई फिर से चढ़िया पड़ना
चालू हो गए, मुझे लगता है रोड ढंग से नहीं बनाई इन्होंने, दिक्कत आ रही है चलाने में। हिल के जा रहा है प्लेन। खतरनाक तरीके से झूले पड़ रहे हैं भाई, डर लग रहा है फ्लाइट के अंदर। अपनी फ्लाइट लैंड करने वाली है, बस हम पहुंच चुके हैं श्रीलंका। मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपसे निवेदन है कि द्वार खुलने के बाद कृपया फोन या जश्न विमान में। लो भाई हम श्रीलंका पहुंच चुके हैं, और भाई जब प्लेन ऊपर चल रहा था ना, बड़ा हिल रहा था, मैं डर रहा था सच्ची, पर लच्छी देर से लैंड हो गई भाई। पहली बार अंदर से आसपास से निकल रहा था, लैंड करा दे रब्बा, लैंड करा दे, बस लैंड हो ही गए, काफी सारे बादल थे ना। चलो आराम से आ गए, आना नहीं तुम्हें, आ जाओ जल्दी। नहीं पूछी चाय? नहीं पूछी। अरे प्रा भूखा ही लिया यार ऐसी। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अब वैसे रावण रहता है यहाँ पे? रहता था शायद। चलो सो भाई फाइनली हम श्रीलंका तो पहुंच चुके हैं, लेकिन आप भी सोच रहे होंगे आप लोग कैसे पहुंचो। बड़ा इजी है भाई, राइट हैंड साइड पे आ रहा होगा जहां से हमने वीजा अप्लाई किया था, उसके बाद हम डॉलर्स लिए थे, मैंने आपको बता ही दिया, और उसके अलावा हमने सिर्फ फ्लाइट जाने की और आने की बुकिंग करी और कुछ नहीं। वैसे और किसी ने कुछ पूछा भी नहीं, मुझसे तो कुछ भी नहीं पूछा। वैसे अंकुश भाई को एक टाइम पे रोक दिया था क्योंकि उनकी प्रीवियस बोर्डिंग इश्यूज की वजह से, जो यहां से वो दूसरी कंट्रीज गए थे तो उनकी वजह से, वैसे किसी को नहीं रोकते हैं। चलते हैं, एग्जिट करते हैं बाहर। वैसे सारे काम तो हो गए भाई, बस अब एक ही चीज़ की टेंशन है, पता है क्यों? अंकुश भाई को वहाँ पे भी रोक देता है इमिग्रेशन वालों ने, अब यहाँ कहीं ना रोक दे भाई। बाकी अपना तो काम फिट है भाई, अपन पार हो जाएंगे, क्योंकि अपन को कोई वहाँ पे भी नहीं रोक रहा था और शायद यहाँ भी ना रोके। कॉन्फिडेंस रहना चाहिए भाई बंदे के अंदर, है ना भाई? मैं तो रेडी हूँ, भेज दो इंडिया में चला जाओ। नहीं नहीं प्रभा, इधर से वापस नहीं जाना, वहीं से बोलता तो मैं कल चला भी जाता। अब एक फ्लाइट तो बोर्ड कर ली हमने यार, अभी नोटिस किया मैंने। वैसे जब मैंने टिकट बुक करी थी तब उसमें लिखा था कि भाई 1.5 घंटे की फ्लाइट होगी, उसके बाद जब वो फ्लाइट क्राफ्ट के अंदर बैठे तो उन्होंने बोला भाई 1 घंटे की फ्लाइट है, और उतार दिए 40 मिनट के अंदर। यार पूरे मजे नहीं लेने दिए, बड़ा दुख है। 1 घंटे की हुई पूरी? नहीं 1 घंटे की नहीं हुई, सिर्फ 40 मिनट की। नहीं 12:40 पे उड़ी थी। 12:40 पे उड़ी थी तो अभी भाई हमें हो गए 10 मिनट से ऊपर उतरे हुए। 11:40 पे उड़ी थी। हाँ तो 11:40 पे उतरी ना, तो 10 मिनट हो गए हम उतरे हुए भी, और अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 12:40। ओहो। सो जैसे ही आप अराइव कर जाओगे ना, फिर यहाँ पे अराइवल होने के बाद आपको इमिग्रेशन का ना एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, अराइवल कार्ड का। सो क्या कर रहे हो भाई? अभी ड्यूटी कर रहा हूँ भाई। ड्यूटी? ड्यूटी पे डिस्टर्ब। ओके ओके। तो बेसिकली आप फॉर्म फिल करके ना फिर जाएंगे इमिग्रेशन वालों के पास, फिर वो वहाँ पे। सो बेसिकली ये फॉर्म जब यहाँ फिल हो जाएगा तो उनके पास सारी डिटेल्स पहुँच जाएंगी, बस वहाँ पे वेरिफिकेशन होगी और हम क्रॉस कर जाएंगे। ऐसे ही कुछ होना चाहिए, बाकी कुछ पता नहीं होता भाई, एंड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आ ही जाती है। और ये तो बातें करते करते भी सक्सेसफुल भी हो गया, वाह। सो भाई इमिग्रेशन क्रॉस करके आ गए, और मैं आपको बता दूँ जो हमें इमिग्रेशन ऑफिसर थे ना हमारे पास ही आए थे, मतलब उनका काउंटर था, काउंटर छोड़ के आए थे क्योंकि हम वीडियो बना रहे थे ना, तो मतलब बेसिकली अट्रैक्ट हो गए। और अंकुश भाई और मैं आपस में बातें कर रहे थे, तब उन्होंने मतलब एकदम से आके 3-4 सवाल पूछे, और उसके बाद उन्होंने हमने साथ ही ले गए, और मतलब 2 सेकंड लगे, मतलब अंकुश भाई से भी फिर ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए भाई। पहले पूछ रहा था, फिर अर्श भाई का बंदा आया सीधा पार। लो भाई मस्ती से बजाक बजाक करते करते इमिग्रेशन क्रॉस कर दिया। मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है, मस्ती मजाक करते करते इमिग्रेशन क्रॉस करता हूँ, अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लोगे ना तभी दिक्कत आती है। चलो भाई एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, काफी खुश हूँ मैं भाई श्रीलंका पहुंच के। भाई खुशी मिल रही है? खुशबू आ रही है, खुशी खुशी बाहर खड़ी होगी जाए। अच्छा इन्हें नहीं मिली है अभी, मुझे मिल रही है। हम नीचे आ चुके हैं और मैं ये भूल गया कि हमें बैगेज भी उठाना है भाई। बातें कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन भूल गए बैग उठाना है। चलते हैं फटाफट, काफी देर हो चुकी है फ्लाइट को लैंड किए हुए, अब सामान उठाते हैं भाई अपना। ये हाँ ये कूड़ा वाला सामान तुम्हारा लग रहा है। अरे चला जाएगा इसी में, पकड़ ले भाई मेरा सामान किधर है। लो भाई हमारा सामान पता नहीं कब से घूमे। लो भाई लो हम उतर के आ चुके हैं एयरपोर्ट से बाहर बिल्कुल, और बिल्कुल मतलब एग्जिट वाला एरिया है। यहाँ पे सिम विम मिल रही है, करेंसी भी मिल रही है एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन अभी हम ओ एयरटेल भी है भाई, मेरा भी चल रहा है 3G। 3G चल रहा है? हाँ। ओ भाई मतलब मेरे पास भी एयरटेल है, फिर मेरी भी चलेगी यार, सही है यार, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक चीज़ बता दूँ, मतलब जो इमिग्रेशन वाले थे ना उनसे बहुत सारी बातें हुई, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, उन्होंने मुझे बताई श्रीलंका के अंदर बेस्ट नेटवर्क इनका है, ठीक है, अगर आप लोग आ रहे हो तो यहाँ यूज़ कर लेना। और बार एक बात बता दूँ, आप
यहाँ पे इनकी सिम यहाँ से मत लेना। पता है क्यों मत लेना? एयरपोर्ट से बाहर से लेना, थोड़ी सस्ती पड़ती है, हमेशा ही होता है ऐसा। मतलब मैं जब थाईलैंड गया था या कोई भी कंट्री जाऊँगा तो एयरपोर्ट पे सिम थोड़ी महंगी मिलेगी और बाहर आके काफ़ी सस्ती पड़ती है, तो बाहर से ले लेना। यहाँ पड़ रही है, अभी आप ध्यान से देख लो, 2450 रुपये की सिम पड़ रही है 30 डेज़ की। हाँ, 500 रुपये की 50 GB, मतलब 10 रुपये पर GB। इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, 4G नेटवर्क है, अच्छा खासा स्पीड भी होती है। पर अभी हम बाहर जाएंगे ना तो वहाँ से लेंगे बढ़िया वाली सिम। इवन करेंसी भी एयरपोर्ट पे चेंज नहीं करानी है भाई। और डॉलर्स जब आपके पास हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डॉलर्स आप कहीं भी चेंज करा सकते हो बाहर निकल के। मतलब आपको जितनी जितनी जरूरत हो उतने उतने डॉलर्स चेंज कराना, बाकी आप इंडिया ले जाना, फिर वहाँ पे भी सही रेट में चेंज हो जाएंगे। चलो भाई चलते हैं बाहर, खाना भी खाना है, खाना भी खाएंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है, कोलंबो में जाना है और अभी ट्रेन भी बुक करनी है, काफ़ी सारी चीज़ें आगे आने वाले वीडियो में आप देखने वाले हो। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जरूर जाना, और हमारे स्ट्रगल से आपको सारी चीज़ें पता चल चुकी है भाई कि क्या क्या होने वाली है आपके साथ। और टेंशन मत लेना, अगर कोई टेंशन भी हो तो इस भाई की तरह टेंशन मत लेना फेस पे, हंसते खेलते आना मेरे तरह और आपको एयरपोर्ट से बाहर निकाल देंगे। हाँ, कान्हा जी को भी याद कर लेना। चलो भाई हम भी निकलते हैं, लाइक करके जरूर जाना, कमेंट करके कुछ जाना, और हाँ चैनल बनाया तो सब्सक्राइब कर लो, श्रीलंका की सीरीज जो देखनी है आपने। बाय बाय।